के लिए सलमान खान को जैकलीन ने छोड़ा? क्या सुकेश चंद्रा के पास सलमान खान से ज्यादा है पैसा? बॉलीवुड की हीरोइनों को प्यार से ज्यादा पैसे की जरूरत है? क्या सुकेश के प्यार में पागल हो गई जैकलीन फर्नांडिस? इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता, भला बात प्यार और इश्क और मोहब्बत की हो और बर्बादी ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे प्यार सिर्फ बर्बाद ही करता है, जी नहीं, प्यार आबाद भी करता है अगर सही शख्स मिल जाए। शायद यही सोच के बॉलीवुड की एक हसीना अपना दिल एक ऐसे शख्स को दे बैठी जो अब उसकी बर्बादी का सबब बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की, जिनके नाम की चर्चा सुकेश चंद्रशेखर के साथ इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। वजह इस बार उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक काला सच है, जिस वजह से जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक वक्त पर जैकलीन फर्नांडिस पूरी तरह फंस चुकी थी, यही नहीं वो उससे शादी करने तक को तैयार हो गई थी। जैकलीन ने अपने दोस्तों से सुकेश को लेकर कहा था, मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिल गया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस को लेकर दिल्ली पुलिस की ईओ ने जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच अब खबर आ रही है कि जैकलीन कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर से शादी के सपने सजो रही थी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की थी। जैकलीन को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैकलीन सुकेश से शादी करना चाहती थी, वे मानती थी कि वह उनसे शादी के लिए परफेक्ट है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जैकलीन ने अपनी शादी की योजनाओं को लेकर अक्षय कुमार और सलमान खान को भी बताया था। दोनों एक्टर्स ने उन्हें सुकेश से दूर रहने की सलाह भी दी थी, इसके बावजूद भी वह उससे मिलती रही। जैकलीन ने अक्षय और सलमान से कहा था कि वो बिजनेसमैन और नेता सुकेश से शादी करना चाहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ईओडब्ल्यू की पूछताछ में जैकलीन ने स्वीकार किया कि वह सुकेश की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित थी। जांच टीम के सदस्य एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें उनके सह कलाकारों ने सुकेश से सावधान रहने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह उससे मिलती रही। इस दौरान उन्होंने कार, पालतू जानवर और महंगे गिफ्ट भी लिए। पूछताछ में सामने आया कि सुकेश जैकलीन को पूरी शिद्दत से अपना बनाने में लगा हुआ था। एक्ट्रेस को खुश करने के लिए सुकेश ने जैकलीन और उसके करीबियों पर बेतहाशा पैसा लुटाया। जैकलीन को पता ही नहीं चला कि वो कब महाठग सुकेश के जाल में फंसती चली गई और शादी करने तक का ख्याल उनके मन में आ चुका था। जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए सुकेश ने जैकलीन के ड्रेस डिजाइनर को मोटी रकम दी थी और कुछ ड्रेस भी भिजवाए थे ताकि वो जैकलीन को अपने जाल में फंसा सके। जैकलीन को पूरी तरह सुकेश इम्प्रेस कर चुका था और जैकलीन इमोशनल अटैच्ड भी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उनके हेयर ड्रेसर ने जैकलीन को अखबार का एक कटिंग दिखाया जिसमें सुकेश की पुरानी क्राइम हिस्ट्री लिखी थी। ये खबर पढ़ने के बाद जैकलीन काफी भड़क गई थी। जैकलीन ने पिंकी ईरानी से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन पिंकी ईरानी ने अपने बच्चों की कसम खाते हुए जैकलीन को कन्विंस करने की कोशिश की थी। पिंकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि सुकेश ऐसा नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पिंकी और जैकलीन को आमने सामने बिठाकर ईओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ की तो दोनों आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे पर आरोप लगाए। जैकलीन ने जांच में पिंकी के सामने कहा था कि इसी पिंकी ईरानी ने झूठ बोल बोल कर मुझे मिलवाया था। अब देखते हैं कि आगे इस केस में कौन सा नया मोड़ आता है।